हमारा 25,000 से शादी कराने दिया गया है, इसी काम को हम कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमारी जो समीक्षा बैठक होती है सीधे सीधे सारी व्यवस्था हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बहुत बहुत कार्यकर्ता के साथ बहुत सम्मान के साथ आगे बढ़वा रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है। इसके नाते हमारे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सोचा था कि हम ले जाएंगे, उसी काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ा। सर एक सवाल मेरे अत्याधिक धाराएं होती है, जिस तरह की धाराएं होती है पुलिस उसी हिसाब से पैसे लेकर उस धारा को कम या ज्यादा करती है। इसमें जितने हमारे संज्ञान में आता है जितने उत्पीड़न के मामले थे, 1% भी अभी यहाँ खाते में अलग नहीं है, सब पूरा हो गया है। और पारिवारिक लाभ में भी जितने पैसे थे जितनी व्यवस्था थी सारा का सारा हो गया। अगर हमें टेंडेंसी है एक नहीं है, सारी व्यवस्था हो गई जो हमारे संज्ञान में आता उसको। सर सवाल मेरा ये है, किस तरह से धारा अगर लगाई जाएगी उस हिसाब से शासन ज़्यादा पैसा देगा, इसमें पुलिस की धांधली सामने आती है। जिसे तो जनरल हो सकता है, लेकिन अगर ये संज्ञान में हमारे आएगा तो इस पर कार्रवाई। सर पूर्व सैनिक जो लोग हैं उनके लिए भी समाज कल्याण कई योजनाएं लाता है, क्या कुछ खास कुछ नया हो गया है उनके लिए? सवाल करेंगे कि आप आगरा के आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2019 को देखते हो क्या लगता है आपको भाजपा किस तरीके का बात करें प्रदेश पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी पूर्व नहीं बनी जी, नरेंद्र भाई मोदी के मुकाबले किसी की हिस्सा नहीं सर्वोच्च स्थान पर पहुँचाने का किया काम वैभव तो